Well, hi, good morning, everyone. वेलकम बैक अगेन. अमेरिकन मार्केट से मिले जुले संकेत थे फ्राइडे के सेशन में. फ्राइडे के सेशन में नेस्डेक माइनस में क्लोज हुआ था, लेकिन डाउ जोन्स प्लस में क्लोज हुआ था और उसने लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया था फ्राइडे के सेशन में भी. अभी करंट की जो बात करता हूँ, करंट में डाउ जोन्स प्लस में है, ऑलमोस्ट 56 पॉइंट प्लस में है और नेस्डेक प्लस में है 110 पॉइंट और S&P 500 ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के पास में है 16 पॉइंट प्लस में और सरप्राइजली गिफ्ट निफ्टी प्लस में है 80 पॉइंट्स. गाइड फ्राइडे के सेशन में जब मैं फ्राइडे में अब वीडियो अपलोड की थी, सैटरडे में वीडियो अपलोड की थी, फ्राइडे में वीडियो अपलोड की थी, मैंने क्लियर कट बोला था सैटरडे के वीडियो में कि अभी जो गिफ्ट निफ्टी आपको 30 से 35 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, ये मंडे 100 पॉइंट से ज्यादा गैप अप ओपनिंग दिखाएगा क्योंकि FIs का डेटा फुल्ली बुलिश है. मुझे ऐसा लगता है अभी भी गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है वो सही पिक्चर नहीं दिखा रहा. मैक्सिमम गाइस मिनिमम टू मिनिमम 120 पॉइंट से ज्यादा हम निफ्टी पर गैप अप ओपन होने जा रहे हैं और बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा पैचअप करेगा. अब इस गैप अप के बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल वे में अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूंगा. अभी जो निफ्टी चल रहा है गिफ्ट निफ्टी प्लस में है 80 से 90 पॉइंट प्लस में और नेस्डेक प्लस में है 110 पॉइंट्स. करना क्या है इस गैप अप के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी एक बार 26,000 टच जरूर करेगा. आपको यह लिख लेना है अभी के अभी अपने माइंड में, अपनी नोटबुक में, कि अगर 26,000 आता है आज और मॉर्निंग में ही मिल जाता है या सेकंड हाफ में मिलता है, आपको अपनी पोजीशन 90% स्क्वायर अप कर देनी है लॉन्ग की. वहां पर आप चाहें तो शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं. सिर्फ स्टॉप लॉस 26,550 का होगा, सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस होगा. अब ये पोजीशन बनानी कैसे है आप समझने की कोशिश करना. आप 26,000 का पूरा वेट मत करना. जब आपको निफ्टी 25,980 आपको सिस्टम पे दिखाई दे, आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे, ये मैं स्पॉट प्राइस की बात कर रहा हूं, वहां पर आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से बिल्कुल एग्जिट कर जाना है. ट्रेडिंग वाली पोजीशन हो या आपकी इन्वेस्टमेंट वाली पोजीशन हो, आपको टोटली एग्जिट कर देना है 26,000 के पास में. अगर 25,980 भी आपको दिखाई देता है निफ्टी पर, तो आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देना है और चाहे तो वहां पर आप अपनी शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं. एक बार के लिए वहां पर आपको सेल करना चाहिए. 26,050 का स्टॉप लॉस होगा, बिल्कुल 50 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस और टारगेट उसमें ये मान के चलना कि आपको 150 से 200 पॉइंट यानी कि 100 मिनिमम निफ्टी में आपको मिलेगा. अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो आपको अपनी पोजीशन एग्जिट कर देनी है एनी हाउ. इसका मतलब जो मंथली एक्सपायरी की वजह से हमें लग रहा है कि बड़ी रैली और बन सकती है तो शायद उससे भी बड़ी रैली दिखाई दे. लेकिन 26,000 एक ऐसा लेवल है कि जहां पर आपको अपनी लॉन्ग में प्रॉफिट बुक करना चाहिए. एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर भी आपको 80% अपनी लॉन्ग पोजिशन उस लेवल पे एग्जिट कर देनी चाहिए. वहां से एक छोटा सा करेक्शन आना चाहिए मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उस लेवल को इतनी आसानी से मार्केट को क्रॉस नहीं करना चाहिए. एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग 200 से 250 पॉइंट की, उसके बाद में फिर रनअप स्टार्ट होगा. फिर डिपेंड करेगा कि बहुत सारे जो कैलकुलेशन है या मंथली एक्सपायरी के बाद क्या सीन रहेगा वो मैं आपको टाइम से अपडेट करूंगा. लेकिन अभी के लिए अगर आपको सिस्टम पे 26,000 निफ्टी पे दिखाई दे, आपको एक बार वहां पर अपनी पोजीशन से 100% ट्रेडिंग वाली पोजीशन से 100% आपको एग्जिट कर देना चाहिए और इन्वेस्टमेंट वाली पोजीशन से आपको 80% के करीब एग्जिट कर देना चाहिए. बिल्कुल सटीक मैं आपको लेवल बता रहा हूं. हो सकता है मार्केट आपको सरप्राइज कर दे लॉन्ग साइड में, लेकिन स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली लगाना है और सिस्टम में लगाना है 26,050 का. ये निफ्टी पर हो चुका है पूरा अपडेट. इसी के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको जो लेवल मिलते हैं वो लेवल मिलते हैं बैंक निफ्टी पे 54,800 और 54,700. इस लेवल में आए तो आपको बैंक निफ्टी में भी अपनी पोजीशन फिनिश कर देनी चाहिए लॉन्ग साइड में और आप शॉर्ट भी वहां पे बना सकते हैं. लेकिन शर्त एक ही है कि स्टॉप लॉस वहां पर भी 55,050 का होगा,
वहां पर 250 पॉइंट ऊपर का ज्यादा स्टॉप लॉस मिलेगा, यहां पर आपको सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस मिल रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी आज बड़ा रनअप कर सकता है, लेकिन उस लेवल पर आने के बाद 54,800 के आसपास मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर अपने लॉन्ग पोजिशन बिल्कुल फिनिश करनी चाहिए और शॉर्ट भी वहां पर बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ में। तो उम्मीद करूंगा ये इन्फॉर्मेशन जो सिंपल कैलकुलेशन रखी है वो आपके काम जरूर आएगी। कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जो भी अपडेट होगा जरूर शेयर करूंगा। जय हिंद दोस्तों।